दोस्तों, आईकास इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन असेसमेंट सर्विस ने इमीग्रेशन स्ट्रीम दे विच नवंबर 19 तो लै के मई 19 तक प्रोसेसिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा वध गया, इस करके फाइलों नूं एवेलुएट करना रोकिया है। वी विल असैस एजुकेशन क्रेडेंशियल असैसमेंट रिपोर्ट्स ओनली इफ यू हैव सबमिटेड एंड पेड दैम ऑन और बिफोर नवंबर 19। तो 12 PM तो बाद उन्होंने डिक्लेयर किया हैगा कि उन्होंने को इन्नी ज़्यादा एवेलुएशन की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं आईकास को, कि नवंबर 19, 2019 12 PM दोपहर तक जिहड़ी उन्होंने को एवेलुएशन रिपोर्ट पहुँच गई उन्होंने प्रोसैस करेंगे, बाकियों को रोक देंगे। मई 19, 2020 तक उन्होंने स्थगित किया हैगा। ये नहीं है कि वो रेकोगनाइज नहीं है, रेकोगनाइज है, उन्होंने को कम बहुत है क्वालिटी कंट्रोल करने। उन्होंने नवी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी है थोड़े चिर लिए बंद कीतियां मई 19, 20 तक। यू विल सबमिट आईकास असैसमेंट फॉर इंप्लायमेंट एजुकेशन और प्रोफेशनल लाइसेंस। दीज एप्लीकेशन कैन नॉट बी यूज टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंस इन कैनेडा। मैं दोबारा रिपीट करदा, फिर भी तुसी आईकास की असैसमेंट कर सकते हो इंप्लायमेंट एजुकेशन लई ते पोस्ट सेकेंडरी एडमिशन लई प्रोफेशनल लाइसेंशियर लई, पर ये जिहड़ी आईकास की असैसमेंट होएगी उसनू PR वास्ते नहीं वरत्या जा सकता, क्योंकि PR वास्ते वरते जाण वाला जिहड़ा उन्हां दा रिसर्च डेस्क है वह फिलहाल रोकिया होया। तो इस करके फिर दोबारा यू विल स्टिल सबमिट, तुसीं फिर भी एजुकेशन अगर लैनी है पोस्ट सेकेंडरी एडमिशन की, इंप्लायमेंट लैनी है, प्रोफेशनल लाइसेंस लैना है, तो आईकास का वो काम हजे पेंडिंग बंद नहीं है। तो इफ यू नीड एन असैसमेंट फ्रॉम एन ऑर्गनाइजेशन और ए प्रोफेशनल बॉडी डेजिग्नेटेड बाय इमीग्रेशन रिफ्यूजी सिटीजन कनेडा टू यूज फॉर इमीग्रेशन परपजिज, विजिट आर IRCC वैबसाइट। तो दोस्तों, जोड़े लोग PR एवेल्युएशन करा रहे हैं उन्होंने एवेल्युएशन उन्होंने नवंबर 19, 2019 तक रोकी हुई है, पर जोड़े बच्चे स्टडी वास्ते इंप्लायमेंट वास्ते तो प्रोफेसनल लाइसेंस लैन वास्ते कर रहे हैं उन्होंने नहीं रोकी हैगी।